हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स अपन लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स वाला चैप्टर स्टार्ट किया सी ते इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन आप कर ले सी ते आज आप इस टॉपिक के रिगार्डिंग एक थ्योरम प्रूव करांगे। उस थ्योरम की स्टेटमेंट की है, प्रूव दैट लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई एग्जिस्ट when x comma y approaches to a comma b then its value is unique। की स्टेटमेंट आ कि जे अपने कोले फंक्शन दो वेरिएबल दा है x एंड y और उस दी लिमिट एग्जिस्ट करदी है जदों x comma y जिहड़ा पॉइंट आ ओह a comma b अपने कोले पॉइंट नूं अप्रोच करदा तां आपां इह शो करदांगे उस लिमिट दी वैल्यू की है यूनिक। तां प्रूफ देखो स्टूडेंट्स, आपां उस दी वैल्यू जी है वह यूनीक करनी है, दैट इज लिमिट की वैल्यू पर यूनीक करनी है। आप सपोज कर लें कि उस दी लिमिट की वैल्यू यूनीक है नहीं, उस दिया दो डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो मैं सपोज कर लिया लिमिट पॉइंट एक्स कॉमा वाई अप्रोची टू पॉइंट ए कॉमा बी एफ एट एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एल वन एंड लिमिट ऑफ फंक्शन एफ इज इक्वल टू एल टू when x comma y approaches to a comma b where l1 not equal to l2। मैं इस लिमिट दीयां दो वैल्यूज मानियां, एक l1 मान ली l2 और l1 l2 दोने डिफरेंट। तो जे l1 l2 डिफरेंट आ तो देयरफॉर आइदर l1 ग्रेटर देन l2 और l1 लेस देन l2। तो ज्यादा l1 l2 तो लार्जर होगा या l1 l2 तो स्मॉलर होगा। तो विदाउट लॉस ऑफ जनरेलिटी एक का कांसेप्ट टेकन करके चल पे ने एल वन ग्रेटर दैन एल टू। तो जे एल वन एल टू तो लार्जर ले लिया तो एल वन माइनस एल टू ग्रेटर दैन जीरो, तो जे एल वन माइनस एल टू ग्रेटर दैन जीरो हो गया तो एल वन माइनस एल टू ओवर टू वो भी ग्रेटर दैन जीरो। तो इसमें मैं एक्स वन के बराबर रख लिया, टेक एक्स वन इक्वल टू एल वन माइनस एल टू ओवर टू। तो हम इतने एक्स वन ग्रेटर दैन जीरो आ गया। हम अपन इन्ना पता कि सिंस लिमिट ऑफ फंक्शन एफ इज इक्वल टू किदे इक्वल आ अपने को एल वन दे जो एक्स कॉमा वाई पॉइंट कि अप्रोच करता पॉइंट ए कॉमा बी आलसो एक्स वन ग्रेटर दैन जीरो है। तो आप कह सकते डेफिनेशन के बेस पर कि देयर इज ए पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा वन विच डिपेंड अपॉन एक्स वन सच दैट एफ एट एक्स कॉमा वाई माइनस एल वन का मॉड लैस दैन एक्स वन फॉर ऑल जीरो लैस दैन एक्स कॉमा वाई पॉइंट माइनस पॉइंट ए कॉमा बी द मॉड लैस दैन डेल्टा। तो मैं इस दे उत्ते सर्कुलर नेबरहुड दी डेफिनेशन जी है लिमिट दी वो अपलाई करती। तो आप मैं की कह रहे हैं कि लिमिट दी डेफिनेशन अपलाई करती बेस्ड ऑन सर्कुलर नेबरहुड। तो की स्टूडेंट्स आ गए एक बार फिर कि देयर इज ए पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा वन which depend upon epsilon such that f at x comma y minus l1 the mod less than epsilon for all 0 less than x comma y point minus a comma b jada point da oda mod less than delta 1 in one number 1 taken kar le hun since limit function f di l2 de barabar vi si jadon x comma y kinu approach karda si point a comma b nu एप्सिलॉन ग्रेटर दैन जीरो आई चुके हो आप पहले ही कह चुके थे देयरफॉर देयर इज ए पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा 2 आर यू व्हिच डिपेंड अपॉन एप्सिलॉन सच दैट एफ एट एक्स कॉमा वाई माइनस एल2 द अमाउंट लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल जीरो लेस देन एक्स कॉमा वाई पॉइंट माइनस ए कॉमा बी पॉइंट द अमाउंट लेस देन डेल्टा 2। इन मैं नंबर 2 टेकन कर ले। हुन डेल्टा 1 ते डेल्टा 2 दे विचों मिनिमम है डेल्टा टेकन कर ले। तो टेक डेल्टा इक्वल टू मिनिमम ऑफ डेल्टा 1 कॉमा डेल्टा 2। तो हम तुसी ये देखो कि जे अपने को ले दो सर्कुलर डिलीटेड नेबरहुड सी कि दे अपने को ले पॉइंट ए कॉमा बी दे तो उस सर्कुलर डिलीटेड नेबरहुड दे अपने को रेडियस होने एक रेडियस कि बराबर फर्स्ट नंबर के आप इतने देख रहे हैं डेल्टा 1 दूजा कि बराबर डेल्टा 2। तो जो दोनों का मिनीमम आप डेल्टा के बराबर रख रहे तो डेफिनेटली जो पॉइंट्स होंगे वो अपने को फर्स्ट कंडीशन भी होल्ड करेंगे दैट इज एफ एट एक्स कॉमा वाई माइनस एल वन का मॉड लैस दैन एप्सिलॉन और सैकंड कंडीशन भी होल्ड करेंगे एफ एट एक्स कॉमा वाई माइनस एल टू का मॉड लैस दैन एप्सिलॉन। तो मैं लिख सकता देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट एंड सैकंड वही है f at x comma y minus l1 the mod less than epsilon and
f at x comma y minus l2 the mod less than epsilon for all 0 less than x comma y point minus a comma b point the mod less than delta. In my number students tin kehna ki matlab students ki je main itthe do circular related neighborhood of ab point banaunda आ पॉइंट लेना इतने आप डेल्टा वन सपोज करो डेल्टा टू तो हम दोनों का मिनिमम की है डेल्टा वन आ गए जो मैं डेल्टा टू आप डेल्टा वन तो लार्जर लगी तो डेल्टा वन डेल्टा टू के मिनिमम कि आ गया डेल्टा वन आ गए हम जो पॉइंट सारे हो सिर्फ ए बी को छड़ के उन्होंने वास्ते डेफिनेटली फर्स्ट कंडीशन भी होल्ड करूँ एज वैल एज सैकेंड कंडीशन भी होल्ड करूँ क्योंकि सैकेंड कंडीशन ये सारे वास्ते होल्ड करती सी एक्सैप्ट पॉइंट ए कॉमा बी तो यदा मतलब आ जो इंटरनल पोर्शन सर्कल का आजगा एक्सैप्ट पॉइंट ए कौमा बी उस वास्ते आप कह सकते हैं कि अपने को फस्ट एज वैल एज सैकंड कंडीशन होल्ड करो तो सेंस हूँ एल वन माइनस एल टू पॉजिटिव तो जी जो भी अपने को पॉजिटिव जो नंबर होंगे वह मॉडलस के बराबर होंगे तो देर पर आप कह सकते हैं एल वन माइनस एल टू इक्वल टू एल वन माइनस एल टू का मॉड हूँ ये आप एफ एड एक्स कौमा वाई एड करता और एफ एड एक्स कौमा वाई सप्रैक्ट करता तो इन मैं लिख लिया इक्वल टू एफ एड एक्स कौमा वाई माइनस एल वन माइनस ऑफ एफ एफ एड एक्स कौमा वाई माइनस एल टू होल मॉ जो स्टूडेंट्स इसमें तुम ओपन करके देखो तो डेफिनेटली यह अपने को एल टू माइनस एल वन का मॉड बन और आपको पता है एल टू माइनस एल वन का मॉड एल वन माइनस एल टू के मॉड के बराबर ही होता तो आप इसमें यह लिख सकते इस मैं लैस दैन इक्वल टू लिख लिया एफ एड एक्स कॉमा वाई माइनस एल वन का मॉड प्लस एफ एड एक्स कॉमा वाई माइनस एल टू का मॉड जबकि जे मैं आ एक्स कॉमा वाई पॉइंट इसे आह इंटीरियर के कोई लैना एक्सैप्ट ए कॉमा बी पॉइंट तो छड़ के तो इस वास्ते आप थर्ड कंडीशन तो कह सकते ए भी एप्सिलॉन तो घट्टा तो ए भी एप्सिलॉन तो घट्टा था इतना लैस दैन एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन यूजिंग थर्ड एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन किसके बराबर आ गया टू एप्सिलॉन जबकि एप्सिलॉन किसके बराबर सी स्टूडेंट आप इतने टेकन किया एल वन माइनस एल टू बाई टू वो इतने सब्सटीट्यूट करता है टू ना टू की हो गया कैंसल तो इक्वल टू किसके बराबर आ गया एल वन माइनस एल टू जो तुम स्टूडेंट सारे ऑब्जर्व करो एक बार लैस दैन इक्वल टू है एक बार लैस आ गया तो आप ये कह सकते हैं कि आ एल वन माइनस एल टू लैस दैन की हो गया एल वन माइनस एल टू तो ही हो गया तो कोई भी नंबर अपने आप तो लैस नहीं हो सकता तो ही आप लिखता विच इज इमपोसिबल देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रोंग हेंस इफ लिमिट एग्जिस्ट दैन इट्स वैल्यू इज हेंस आपने की क्या था लिमिट of the function f when point x comma y approaches to point a comma b is unique if it exists. The students फिलहाल अपने इस लेक्चर के यही थ्योरम डिस्कस करांगे थैंक यू सो मच